आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। लास्ट मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप का पहला मैच शिलोंग लाजोंग के खिलाफ खेला था और उस मैच को देखकर हम आज इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। कौन सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का बेस है और कौन सा पार्ट वीक है, सब कुछ डिस्कस में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार स्पोर्ट लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लास्ट मैच का जो लाइनअप है उसके बारे में। देखिए, जॉन पेड्रो बेनाली ने लास्ट मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में खिलाया था। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस फॉर्मेशन को। और टीम में जगह बनाया था मिर्शद मिसू, मिशेल जाबाकु, गौरव बोरा, डेनिस सिंह, तंडम्बा, प्रज्ञान, रोमेन, पार्थिव, फाल्गुनी, रोचारा और मनवीर। अगर आप इस ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस के बारे में मुझे पूछेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, 4 गोल स्कोर किया था। और पार्थिव गगोई एक बेस्ट पार्ट है इस टीम का। उसके बाद मिशेल जाबाकु खासकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था, फाल्गुनी सिंह ने दिया था, रोमेन फिलिपोटू का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद तंडम्बा डिफेंस ने जो काम किया था काबिले तारीफ था। उसके बाद गोलकीपर को भी हमें क्रेडिट देना होगा। सबसे बड़ा हमें देखने के लिए मिला मिशेल जाबाकु। जी हाँ दोस्तों, मिशेल जाबाकु ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस किया था लास्ट मैच में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक परफेक्ट वॉल बनने वाला है मिशेल जाबाकु। बॉल में जिस तरह का टच है और जो पास है उसको ही देखकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सभी फैन मिशेल जाबाकु के फैन बन चुका है। मिशेल जाबाकु ने जो प्रदर्शन दिया है उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डिफेंस लाइन जो मजबूती देखने के लिए हमें मिल सकता है। और उसके अलावा अटैक में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने खासकर पार्थिव गगोई, रोचारा, फाल्गुनी सिंह, रोमेन ने मिलकर जिस तरह का काम किया है वो काबिले तारीफ है। और खासकर मनवीर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 4-2-3-1 का फॉर्मेशन में जो प्रदर्शन दिया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, छोटा छोटा पास चांस क्रिएट कर रहा था। एक ओवरऑल अगर टीम का परफॉर्मेंस देखोगे बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन इस फॉर्मेशन में, इस टीम में थोड़ा सा डाउन भी है। जी हाँ दोस्तों, क्या डाउन है आप सभी पता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लास्ट मैच में डिफेंसिव लाइन थोड़ा सा लड़खड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा डिफेंस में और भी काम करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को, खासकर डिफेंसिव मिडफील्डर के पोजीशन में। प्रज्ञान गगोई जिस पोजीशन में अभी खेल रहा है, प्रज्ञान गगोई का परफॉर्मेंस और भी बेहतर होना पड़ेगा, नहीं तो उसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से ही प्रॉब्लम सभी क्रिएट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रॉब्लम डिफेंसिव मिडफील्डर में ही क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अपोनेंट टीम अगर अटैक करेगा, अगर मिडफील्ड पोजीशन में अगर आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे तो आपके डिफेंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तब आप गोल खा सकते हो। लास्ट मैच में भी खेला था, देखा था शिलोंग लाजोंग ने काफ़ी ज़बरदस्त अटैक किया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। देखिए, हीरा मंडल और टेनिस के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही गया था, लेकिन लास्ट में गोल नहीं हुआ था, लेकिन बॉल आउट हो गया था। आप सभी ने कल सेकंड हाफ में देखा था तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी प्रज्ञान गगोई जिस पोजीशन में खेल रहा है उस पोजीशन को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बेहतर करना होगा। जब से खासा कमारा और अपुया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से चला गया है तभी से ही यह प्रॉब्लम है और अभी तक बन रहा है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन को और बेहतर करना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहाँ से बॉल निकल रहा है अटैक में, और उस पोजीशन को थोड़ा सा मजबूत करना होगा। और प्रज्ञान गगोई को भी और अच्छा बनना होगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है, इतना मुझे अच्छा नहीं लगा है। अगर आप मुझे पूछोगे तो प्रज्ञान गगोई का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बुरा लगा है। तो अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को काम करना होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे राइट बैक में, थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि डिफेंस टेनिस सिंह प्रॉपर राइट बैक खिलाड़ी नहीं है, एक सेंटर बैक खिलाड़ी है। और उसके बाद फाल्गुनी सिंह भी डिफेंसिव मिडफील्डर के पोजीशन का खिलाड़ी है, वो अटैक में खेल रहा था कल, और वो आप भी थोड़ा सा काम करना होगा। और प्लेयर है अवेलेबल है अटैकिंग मिडफील्डर में, नेस्टर है, इमिल है। उसके बाद राइट बैक में भी, लेकिन इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा। और अगर आप
ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस देखो था तो मिस अंडरस्टैंडिंग बन रहा था और पास भी इतना अच्छा सटीक नहीं हुआ था फर्स्ट हाफ में। अगर सेकंड हाफ में अच्छा कर रहा था टीम, लेकिन फर्स्ट हाफ का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना अच्छा पास कर नहीं पा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस अच्छा हो गया था। तो जॉन पेड्रो बेनाली को यह सभी चीज ध्यान देना होगा। अब के हिसाब से क्या है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डाउनफॉल और क्या है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्ट्रॉन्गनेस, आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।